वेलकम टू मेरे आज हम लच्छा पराठा जो कि आप इस तीन महीने के लिए फ़्रीज़ कर सकते हैं उसकी रेसिपी दे रहे हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाएं ये मेरे पास बटर पेपर है इसके मैं पहले सर्कल काट लूँगी जितने मैंने पराठे का साइज़ रखना है इस तरह के आप सर्कल काट लीजिएगा जितने पराठे चाहिए उतनी आप सर्कल काट लीजिए बटर पेपर ले लें ले या आप शॉपिंग बैग या पॉलीथीन बैग्स वगैरह इस तरह से लेके तो इस तरह सर्कल काट के पहले सबसे पहले रख लीजिए चलिए ये सर्कल हमने काट के एक साइड पे कर लिए अब हमने जो इसके अंदर जो मावा लगाना है ये देखें देसी घी ले लें ले ले या सादा घी ले लें आधा कप देसी घी या सादा घी मेल्टेड हो उसमें टू टेबल स्पून चावल का आटा और टू टेबल स्पून आपने मैदा डाल के या कॉर्नफ्लोर डाल के मैंने इसमें टू टेबल स्पून चावल का आटा टू टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाल के और हाफ कप जो है घी लेकर उसमें अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया इसकी इस को हम पराठों के अंदर लगाएंगे चलिए आटा गूंधना मैंने पहले भी आपको सिखाया था इसका तो दोबारा से मैं आपको फिर भी बता देती हूँ कि आधा किलो जो है मैदा और आटे का मिक्सचर ले लीजिए या थैले का आटा ले लें आप मैदे का भी बना सकते हैं और आटे के भी बना सकते हैं मैंने दो कप मैदा और दो कप आटा लेकर उसको मिक्स किया एक टेबल स्पून नमक एक टेबल स्पून चीनी और टू टेबल स्पून घी डाल के इसको गूंद लिया सख्ता नीम गर्म पानी से सख्त डो गूंद ली थी तो अब उसके पेड़े बना के तो इस तरह से आप इसके पहले छोटे छोटे से इस तरह रोटियाँ बेल के एक साइड पे करते जाएंगे आटा गूँध के हमने तकरीबन तो एक घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दिया था रेस्ट के लिए आटा आपने सख्त गूंदना है सॉफ्ट नहीं गूंदना इस तरह से ये देखें रोटी हमने बेल ली है नॉर्मल से साइज की तकरीबन तो फाइव इंचज़ की यह रोटी है जो कि हमने बेली है इसी तरह से बाकी भी रोटियां जो हैं उनको भी मैं वन बाय वन करके बेल चलिए ये तमाम रोटियां हमने बेल ली हैं मैं आपको दिखा देती हूँ ये देखें इस तरह से पाँच या छः जितनी भी आप बेलना चाहें मैंने पाँच तकरीबन ये छः बेली हैं तो अब आपने हाथ की मदद से ये जो मिक्सचर बनाया है घी का और चावल का आटा और कॉर्नफ्लोर का इसको आपने लगा देना है इसको बहुत अच्छी तरह से आपने रोटी के ऊपर फैलाना है तकरीबन वन टेबल स्पून जो है वो एक रोटी के ऊपर लगाइएगा अच्छी तरह से लग जाएगा तो फिर इसके ऊपर आपने मैदा जो है वो डस्ट करना है छिड़क देना है थोड़ा सा मैदा छिड़क दें या आटा छिड़क दें अब दूसरी रोटी जो है उसकी लेयर लगाएंगे ऊपर और अब इसके ऊपर फिर से मैदा और ये मिक्सचर जो बनाया हुआ है चावल का आटा और कॉर्नफ्लोर का इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से लगाना है इसी तरह से सारा जो है हम आटा लगा लगाते जाएंगे ये जो हमने मिक्सचर बनाया है और ऊपर से आटा या मैदा जो है वो छिड़कते जाएंगे और मैं तमाम जो है इस तरह लेयरिंग कर लेती हूँ और फिर इसके बाद आपको इसकी डिटेल दिखाती हूँ सब के ऊपर आपने इसी तरह से लगाते जाना है और इसकी लेयरिंग बनाते जाना है और ये देखें ये लास्ट वाली भी हमारी रोटी जो है इसके ऊपर भी हमने ये जो मिक्सचर ले का बनाया हुआ था ये लगा दिया है और इस ये देखें मुकम्मल हमारा पूरा पूरा इस पर आ गया है छः पराठे हैं जिनको हमने इस तरह वन बाय वन लेयरिंग लगाई है और सबसे ऊपर जो है मैंने लास्ट वाली जो तह थी उसके ऊपर भी लगाया है इसको और इसके ऊपर मैदा छिड़क देंगे सबसे एंड वाली ये देख रहे हैं आप रोटी जो है इस पर भी लगाया है अब आपने क्या करना है एक साइड से आपने इसको फोल्ड करना शुरू करना है इस तरह से ये देखें फ़ोल्ड करते जाएं शेप देते जाइएगा जितना आराम से आप इसको फोल्ड करेंगे दबा दबा के नहीं करना ज़्यादा ताकि इसकी लेयरिंग जो है वो बरकरार रहे अंदर जो तहें बनाई हैं वो बरकरार रहें इस तरह ये दिखें इनको प्रेस कर लीजिए हल्का सा शेप देखने के बाद और हाथों से थोड़ा थोड़ा इसको लम्बा कर लेंगे हम ये हमने हाथों से इसको लम्बा कर लिया अब मैं इसके जो हैं लोइियाँ काटूंगी यानी कि पेड़े काटूंगी तो अब ये आप देख सकते हैं इस तरह से छोटे छोटे हमने पेड़े काट लेने हैं इसके पेड़े काटने से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके अंदर कितनी ज़्यादा लेयर्स हैं और कितने ज़बरदस्त ये आपकी ये देखें लेयर्स जब आप बनाएंगे इनको तो बहुत ही खुल के लेयर्स आपके सामने आएंगी ये ये देखें ये लच्छे सारे नजर आ रहे होंगे आपको पराठों के इस तरह से आपने हाथ की हथेली की मदद से हल्का सा इसको एक साइड की तरफ को प्रेस करना है एक साइड की तरफ प्रेस करने से लेयर्स पूरी खिल के जब आप पराठा बनाएंगे तो पूरी लेयर्स निकलेंगी इसकी इस तरह से ये देखें हथेली की मदद से आपने हल्का सा दबाव दे दिया इनको अब मैं ये एक जिप लॉक बैग ले लेती हूँ अगर आप चाहें तो आप इनके पेड़े फ्रीज कर सकते हैं और उनको फ्रिज में एक हफ़्ते के लिए आसानी से रख सकते हैं ये देखें इस तरह से जिप लॉक बैग में आप पेड़े जो हैं उनको रख लीजिएगा और अच्छी तरह से बंद कर दें या किसी भी एयर टाइट डिब्बिया डब्बे में डाल के तो उसमें भी रख सकते हैं किसी भी कंटेनर वग़ैरह में ये देखें अच्छी तरह से बंद कर दिया है ताकि इसमें हवा जो है ना जाए इस तरह से आप इनको एक हफ़्ते के लिए फ़्रिज में रख सकते हैं और आसानी से जब ज़रूरत हो आप निकाल के तो उसका पराठा बना लें ये एक तो ऑप्शन ये हो गया दूसरा ऑप्शन जो है वो ये है कि इनके अब बनाएंगे हम पराठे तो सबसे पहले अब मैं वन बाय वन करके सारे पराठे बेलती जाऊंगी पराठे बेलते ही पराठे जो हैं ये फ्रोज़न पराठे थोड़े से छोटे साइज़ के होते हैं तकरीबन फोर टू फाइव इंचज़ का एक पराठा होता है तो आप साइज़ बढ़ा भी सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं मैंने मीडियम तकरीबन इनके साइज़ रखे हैं ये देखें इस तरह से ये देखें पराठा बेलते बेलते भी आपको इसकी लेयरिंग नज़र आ रही होगी सारे जितने भी, भी पराठे हैं इस तरह से हम बेल लेते हैं मैं इसमें से बाकी जो है निकालती जाऊंगी आपने भी जब रोटियां इस तरह बनानी है तो पहले इनको रुमाल वगैरह से कवर कर देना है पेड़ों को ताकि ये ड्राई ना हो जिप लॉक बैग में रखने से ही ये बहुत ही टेंडर हो गए सॉफ्ट हो गए देखें डो कितनी आसानी से जो है अब बेली जा रही है तो जितने भी हमने पराठे बनाने हैं इस तरह से सारे पराठे बना लेते हैं ये देखें पांच मैंने बना लिए हैं मैं आपको दिखाती हूँ कि इनको सेफ़ कैसे करना है ये बटर पेपर जो मैंने अभी काटा था सबसे पहले काटने पाए हैं आपको एक रोटी इसके ऊपर रख लीजिए दूसरी लेयर फिर जिप लोग बैग की काट के या पोलिथीन काट के या बटर पेपर की काट के रख लीजिए फिर एक और जो है बटर पेपर रख के तो उसके ऊपर एक और पराठा रख दिया आप जितने चाहें इस तरह से वन बाय वन करके लेयरिंग करते जाएं और पराठे रखते जाएं इनको आप तीन माह तक आसानी से फ्रीज़र में रख सकते हैं बिल्कुल भी इंशाल्लाह ख़राब नहीं होंगे जब भी आपने निकालने हैं डायरेक्ट आपने इनको तवे पे तवा जो है वो प्री हीट करके तो उसमें गरम करना है ये देखें मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये आपने इनको इस तरह से ये जब लेयरिंग बन जाएगी ना फिर आपने इनको जिप लॉक बैग में डालना है या एयर टाइट बड़े डब्बे में रख के तो फ्रीज़ कर लेना है तो इसका पराठा जो है वो भी मैं दिखा देती हूँ आपको कितना क्रिस्पी और कितना ज़बरदस्त इनका पराठा परतों वाला बनता है ये देखें डायरेक्ट आपने फ्रीज़र से निकाला और हल्की आंच पे आपका तवा गरम हो गया तो उसके ऊपर आपने ये पराठा डाल देना है कोई इसको डीफ करने की ज़रूरत नहीं होती ना रूम टेम्परेचर पर लाने की ज़रूरत होती है डायरेक्ट आपने तवे पर डाल के हल्का हल्का इस तरह प्रेस करना है और घी लगा लेना है दोनों साइडों पे इसके ऑयल नहीं लगाएंगे ऑयल लगाने से ये पराठे नरम पड़ जाएंगे घी लगाने से ये पराठे बहुत ही कड़क और क्रिस्पी बनेंगे ये देखें दूसरी साइड भी इसकी बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची हो गई है और परतें नज़र आ रही होंगी आपको कितनी ज़बरदस्त है इसकी ये देखें तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इन पराठों को बल्कि रमजान मुबारक से पहले आप इनको बना के फ्रीज़ कर सकते हैं ताकि रमज़ान में आप अपनी इबादत पे पूरी तवज्जो दे सकें तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पराठे बहुत ही पसंद आएंगे और इनको ट्राई ज़रूर कीजिएगा मुझे फीडबैक में ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है आपने कि कैसी लगी आज की आपको ये रेसिपी तो फिर हाजिर होंगे अपना ख्याल रखिएगा टेक केयर अल्लाह हाफिज़